टीम इंडिया के स्टार बॉलर युजवेंद्र चहल ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया है जिनमें उनके पत्नी धनश्री से तलाक लेने की बातें की जा रही थीं। बता दें कि सोशल मीडिया पर युजवेंद्र और उनकी यूट्यूबर पत्नी धनश्री की जोड़ी बहुत पॉपुलर है। इन दोनों के एक साथ रील्स को उनके फैंस सोशल मीडिया पर हाथों हाथ लेते हैं। 32 साल के युजवेंद्र ने अपने से 7 साल छोटी धनश्री से रिश्ते को लेकर क्या कहा, ये आपको स्टोरी में आगे बताते हैं। पहले जान लें कि ऐसी अटकलों को हवा कहां से मिली। दरअसल धनश्री ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर खुद के नाम के आगे से चहल सरनेम हटा दिया। उनके ऐसा करते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। कुछ यूजर्स तो यहां तक कहने लगे कि धनश्री अब खुद पॉपुलर हो गई हैं, ऐसे में अब उन्हें चहल सरनेम की जरूरत नहीं रही। लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने अब एक इंस्टाग्राम स्टोरी से दूध का दूध और पानी का पानी करने की कोशिश की है। चहल ने अपने फैन से कहा कि मेरा विनम्र आग्रह है कि हमारे रिश्ते से जुड़ी किसी भी तरह की अफवाह पर यकीन ना करें, कृपया इस पर विराम लगाएं, सभी को प्यार और प्रकाश। चहल के बाद धनश्री ने भी वही स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पर लगाई है। खुद को प्रोफाइल में डिजिटल क्रिएटर बताने वाली धनश्री वर्मा यूट्यूबर होने के साथ साथ डांस कोरियोग्राफर भी हैं। इंस्टाग्राम पर धनश्री वर्मा के 51 लाख फॉलोअर्स हैं। दूसरी ओर चहल को टीम इंडिया के बॉलिंग अटैक का मुख्य हिस्सा माना जाता है। चहल इन दिनों 27 अगस्त से शुरू होने वाले एशिया कप की तैयारियों में जुटे हैं। उन्हें टीम इंडिया के जिम्बाब्वे टूर से रेस्ट दिया गया है। दरअसल इन सारे कयासों का चक्कर चहल की एक स्टोरी से ही शुरू हुआ था। इसमें चहल ने जो फोटो लगाई थी उस पर लिखा था न्यू लाइफ लोडिंग, यानी नई जिंदगी लोड होने जा रही है। वहीं धनश्री ने एक पोस्ट अपलोड की जिसमें लिखा था एक प्रिंसेस हमेशा अपने दर्द को ताकत में बदल देती है। फिर धनश्री ने अपने नाम से सरनेम चहल भी हटा दिया। धनश्री और चहल ने 8 अगस्त 2020 को कोरोना लॉकडाउन के दौरान सगाई की थी। फिर उसी साल 22 दिसंबर को दोनों की शादी हुई। इसकी जानकारी दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए ही फैंस को दी थी। धनश्री और चहल कई बार इंस्टाग्राम रील्स में डांस करते साथ दिखाई दिए हैं। इसके अलावा धनश्री क्रिकेट मैचों के दौरान भी स्टेडियम में नजर आती रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।